Ladies and gentlemen, a very good evening to you. आज 25 दिसंबर का दिन है. आज हम कायदे आजम को खराज अकीदत पेश करते हैं. This is a very special Sahib show. Here we go. हर दिल के ऊपर है चांदूर सितारा परचम भी हमारा ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है. आज का शो से भी डिफरेंट है क्योंकि आज के शो में हम कायद के पाकिस्तान की नहीं बल्कि कायद के पाकिस्तानी की बात करेंगे. एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने पाकिस्तान को तब्दील किया है. हमने बहुत सुना है कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, हमारे लोग ये नहीं कर सकते, हमारे लोग वो नहीं कर सकते. लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम कायद के पाकिस्तानी हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं. हमारा ये शो आज इसी से डेडिकेट करिए कायद का पाकिस्तान. रहमत की तरह सर पर माओ की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा बहनों की दुआएं हैं. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान ऐसा नहीं था जहां मिल्स खामोश रहें, जहां मजदूर की सुनवाई ना हो, जहां लोग एक दूसरे को टॉलरेट ना कर सकें. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान एक बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान था. अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब बहुत मुख्तलिफ था. आज हमारे इस शो में हम आपको कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे जो इकबाल के इस ख्वाब की और कायदे आज़म की इस कोशिश को खराज तहसीन पेश करते हैं. कौन कहता है कि हम दुनिया तब्दील नहीं कर सकते? कौन कहता है कि हम पाकिस्तानी बन के सारी दुनिया में नाम नहीं कमा सकते? पाकिस्तानी बन के हम पाकिस्तान को भी तब्दील कर सकते हैं, दुनिया में नाम भी कमा सकते हैं. शर्त सिर्फ एक है कि हमको बनना है तो कायद का पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जिसके बारे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है, वो पाकिस्तानी जो कायद के पाकिस्तान को, इकबाल के ख्वाब को एक ऐसी ताबीर दे सकता है जिसकी सुबह रोशन है, जिसकी शामें कभी ना ख़त्म होने वाली हैं और जिसकी रात इस कदर खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि इस सारे मंजर को अपनी आंखों में समा लिया जाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कायद का ये पाकिस्तानी हम आपके सामने पेश करेंगे. इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे साथ बहकान भी झूमेंगे. Bye.
आप लोग तालियां बजा सकते हैं. Here we go. This is my show. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे शो पे तालियां ना बजाएं. Here we go. Thank you. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, बिल्कुल यहीं खड़े रहेंगे. थैंक यू जी. ये लिंडबर्ग स्कूल, या या am I right? Okay, good. सारे बोले yes, you're right. Go. Yes. एक साथ, एक दो तीन गो. There you go. That's it. आज के पाकिस्तानियों में आज जिन लोगों की मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप देखते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज आप पहली मर्तबा देखेंगे. आप मिलेंगे एक ऐसी खातून से जो जेल में कैदियों को पढ़ाती हैं, रिहाई दिलवाती हैं, वो कैदियों को मायूसी से रिहाई दिलवाती हैं, हर उस बात से जिसके बारे में एक कैदी को लेबल किया जाता है. एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊंगा आपको कायद के इस पाकिस्तानियत के सफ़र में जो 11 साल की है लेकिन उसके पास 3 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 9th क्लास की थी जब उसने केमिस्ट्री का पेपर दे दिया था. आयल्स में उसके 7 बैंड आए. फिर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कायद आजम मोहम्मद जिन्ना के गार्ड थे. यस, ये गार्ड अबाउट द वन एंड ओनली एंड द फादर ऑफ द नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना. फिर मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जिसने एक टेलीस्कोप बनाई है, एक ऐसी टेलीस्कोप. वेल यू नो व्हाट, आप खुद देखिएगा कि कायद के पाकिस्तानी कैसे होते हैं. आज ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना कहीं नहीं है आपने. बहुत सारा ग्लैमर भी होगा, बहुत सारे नगमे भी होंगे, मिल्ली नगमे होंगे, यहाँ बहुत सारी परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन सबसे बढ़कर होंगे वो लोग जिन्हें हम कहते हैं कि ये सही मानों में कायद के पाकिस्तानी. आज 25th दिसंबर है, दैट मीन्स क्रिसमस इज हियर टू. तो क्रिसमस का केक अगर आप लोगों को खाना है तो वो भी मिलेगा, लेकिन उन सब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू. सलाम लाहौर की सर्दी में आवाज नहीं आ रही. 1 2 3 गो. कायद का पाकिस्तानी है, जोर से बोलेगा 1 2 3 गो. There you go. That's it. बिल्कुल अब बिल्कुल अच्छा होगा. कुछ बच्चे रो भी रहे हैं यहाँ पे, प्लीज बच्चों को यहाँ से हटा दीजिएगा. That's okay. मैं चूंकि एज लाइव शोज करता हूँ इसलिए एज लाइव शोज के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं. आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन, कायद का पाकिस्तानी. आज 25 दिसंबर है. सबसे पहले तो अ वेरी मैरी क्रिसमस टू एवरीवन हु बिलीव्स इन क्रिसमस. हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस टू यू. एंड ऑफ कोर्स आज 25 दिसंबर है, कायद आजम को खराज तहसीन पेश करने का दिन है. बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और पूरा दिन होते रहे होंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत सोच रहा था जब मैंने टीम से बात की तो मैं बहुत सोचने लगा कि क्या ऐसा किया जाए जो डिफरेंट हो. हम कायदे आजम के पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं और रिकॉर्डिंग में भी कुछ बच्चे चिप्स खा रहे हैं, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग चिप्स मत खाइए ठीक. मुझे रिकॉर्डिंग करने दीजिए. कायद के पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? ऐ कायद के पाकिस्तानियों, चिप्स मत खाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 1 2 3 कायदे आजम. जाग गए भाई, जाग गए. ओके, सो कायद का पाकिस्तान और कायद के पाकिस्तानी. कायद के पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है. कायद के पाकिस्तान में कभी कभी गैस नहीं होती. कायद के पाकिस्तान में कभी कभी बिजली चली जाती है. सॉरी, गलती हो गई. कभी कभी आ जाती है. यस, कायद के पाकिस्तान में एवं ही कोई बड़के मार देता है. कायद के पाकिस्तान में रोज सुबह उठ के कोई पॉलिटिशियन एक नया बयान दे देता है. सही बात है. और बच्चे सबसे ज्यादा हंस रहे हैं इस बात पे. हैरत की बात यह है, बच्चे अपने बड़ों से पूछते हैं, इन्होंने तो वही बात कल भी कही थी, आज भी इन्होंने यही बात की है,
लेकिन कल जब इन्होंने ये बात की थी तो ये किसी दूसरी पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में चले गए। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज याद है और वो है कायद आजम की स्पीच। पेशावर में एक रोज जलसा हो रहा था और किसी अंग्रेज ने आके एक पेशावर के रहने वाले से पूछा कि आदमी जो कह रहा है ये तुमको समझ में आता है तो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। तो कहने लगा ये तो मेरे को पता नहीं है ये क्या बोलता है, पर जो बोलता है वो सही बोलता है क्योंकि हमको इस पर यकीन है। आपको याद होगा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बहुत रुक रुक के उर्दू बोला करते थे। एक रोज जब कायद आजम स्पीच कहने लगे तो आपने कुछ इस तरह से कहा, बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किल थी, आज भी वो स्पीच याद है मुझे, मुसलमान किसी से नहीं डरता। That's how he used to talk. कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी क्या है एक छोटी सी नजर डालते हैं, उसके बाद मैं आपका ये शो शुरू करूंगा। आज बहुत डिफरेंट शो है, आज कायद का वो पाकिस्तानी होगा आपके सामने जिसने इस पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है। एक ऐसा शख्स होगा जिसने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। वैसे तो हम सब भी सिक्योर करते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को और उन लोगों से सिक्योर करते हैं जो इसको इनसिक्योर करने में लगे हुए हैं। फिर एक छोटी सी बच्ची जिसने आयल्स के टेस्ट में 7 बैंड हासिल किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 9 क्लास में थी तो केमिस्ट्री का पेपर दिया, सॉरी 9 ईयर्स की थी तो केमिस्ट्री का पेपर दिया, सॉरी हो जाता है कोई बात नहीं। देन ऑफ कोर्स एक बच्चा जिसने टेलीस्कोप बनाई है। फिर एक ऐसी खातून जो ये बिलीव करती है कि अगर आप जुर्म कर भी लें लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आप में अच्छाई की रमक होती है और वो रमक आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। ये वो लोग हैं जो इसी पाकिस्तान में रहते हैं जहां कभी कभी बिजली नहीं है, कभी कभी गैस नहीं है, सिफारिश का बोल बाला होता रहता है, लेकिन ये अपने काम से लगे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कायद के पाकिस्तान में रहना है तो फिर कायद के पाकिस्तानी बन के रहना है। ये है मेरे और आपके लीडर द फादर ऑफ द नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पे एक नजर। बुलाए तक मोहम्मद अली जिन्ना।